Hello students, you all are welcome in the e-class of Sanskrit. Today, in this class, we will learn chapter 12, Kalikala Sarvajnyo Hemachandracharya, means Hemachandracharya, the omniscient one in Kali Yuga. Students, Hemachandracharya is well reputed in cultural history of Gujarat. He was born in Dhanduka in Ahmedabad district on full moon day of the month of Kartik in Vikram Sambat 11045. He was named Chandradev by his parents. At the age of 8, he was consecrated by Devachandra Suriji Maharaj of Khamba. He was known by the name Somacharya. At the age of 21, he acquired the position of Suri and was known by the name Hemachandracharya Suri. He studied different faculties of learning and expertized all the lords available in his time. Because of his vast knowledge, he was entitled as Kalikal Sarvagya, means the one who knows everything in Kali Yuga. When, after winning King Bhoj of Malwa, when Siddharth Jai Singh returned with his wealth and library to Anhilpur, a group of scholars went there to welcome him under the leadership of Hemchandra Suri. On the request of Jai Singh, Hemachandracharya wrote a wonderful volume of Sanskrit grammar known as Siddha Hem Shabdanusasan. The chapter presented here is prepared keeping in mind this event of cultural history of Gujarat. So students, before the translation of the chapter, let us understand the story of this chapter in short. विक्रम संवत के 22वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह ने जब मालवा के ऊपर विजय प्राप्त की और विजय के बाद जब जयसिंह यशोवर्मन का सभी धन धान लेकर अपनी राजधानी अनहिलपुर वापस आ रहा था तो धन के साथ उसने वहां का ग्रंथागार यानी लाइब्रेरी को भी अपने हस्तक ले लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था और वह उसे भी अनहिलपुर लेकर आया। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे अनुपम ग्रंथ थे और उन ग्रंथों में भोज के द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरणम नाम का एक प्रसिद्ध भोज व्याकरण भी था, जो कि संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक थी। एक बार सिद्धराज जयसिंह सोचने मैं मग्न हो गया और वह सोचने लगा कि मालव के ऊपर विजय प्राप्त करके मैंने उसका धन प्राप्त कर लिया, उसका ग्रंथागार यानी लाइब्रेरी भी अपने हस्तक ले ली, किंतु भोज व्याकरण के द्वारा राजा भोज को जिस प्रकार की कीर्ति प्राप्त हुई है, ऐसी कीर्ति मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कीर्ति भी भोज के समान चारों ओर फैल जाए। ऐसा सोचकर वह जैन मुनि हेमचंद्र के पास गया और जाकर उनसे निवेदन करने लगा, आचार्यवर, आप भोज व्याकरण के समान एक ऐसे व्याकरण की रचना कीजिए जिससे आपकी और मेरी दोनों की कीर्ति अमर हो जाए। सिद्धराज के निवेदन से प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य ने एक अपूर्व, एक बहुत ही नायाब व्याकरण ग्रंथ की रचना की। यह व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें 8 अध्याय थे। उसके प्रारंभ के 6 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण था और अंतिम 2 अध्यायों में प्राकृत भाषा का व्याकरण संलग्न किया गया था। हेमचंद्र आचार्य ने अपने कार्यकाल में
एक लाख श्लोकों से परिपूर्ण साहित्य की रचना की। इस साहित्य में अभिधान चिंतामणि नाम की डिक्शनरी, चालुक्य वंशो कीर्तनम नाम के संस्कृत और प्राकृत भाषा के टू फोल्ड महाकाव्य, काव्यानुशासनम नाम का एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ और छंदोष अनुशासन नाम का एक बहुविध ग्रंथ का समावेश होता है। स्टूडेंट्स, गुजरात प्रदेश में हेमचंद्र आचार्य अपने इन कार्यों की वजह से सूर्य के समान चमकते हैं और उनकी ये ख्याति सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के संपूर्ण आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ट्रांसलेशन के लिए आपको साथ में दिए गए पीडीएफ को रेफर करना है और ट्रांसलेशन को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।